गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज चैप्टर 15, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस कौन से वर्ड्स होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स, मतलब दो सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ओके, नाउ रीड द पैराग्राफ केयरफुली। जोसिया एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे एंड देखिए, एंड क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ना। कंजंक्शंस क्या करते हैं? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जोसिया एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। जोसिया इज टॉल, जोसिया टॉल है, बट मैरी इज शॉर्ट। पर मैरी क्या है? शी इज शॉर्ट। जोसिया और मैरी विल चूज अ गेम टू प्ले। जोसिया या मैरी, ये दोनों में से कोई एक गेम चूज करेंगे खेलने के लिए। मैरी इज गिवन अ चांस टू चूज। मैरी को चांस दिया जा रहा है चूज करने के लिए। बिकॉज शी इज वीक, क्यों? क्योंकि वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। यहाँ देखिए, बिकॉज ने इस सेंटेंस को जोड़ दिया ना। मैरी इज गिवन अ चांस टू चूज। मैरी को चांस दिया जा रहा है चूज करने को, बिकॉज, क्योंकि वो कमज़ोर है। जोसिया इज स्ट्रांग, जोसिया जो है वो स्ट्रांग है। सो ही इज गिवन अ सेकेंड चांस, इसलिए उसको दूसरा चांस दिया जाएगा। इन दिस पैराग्राफ एंड, बट और बिकॉज एंड सो आर कंजंक्शन। इस सेंटेंस में एंड, बट और, बिकॉज एंड सो, ये जो वर्ड्स हैं दीज आर कंजंक्शंस। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? दीज आर कंजंक्शंस। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू कंबाइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। ठीक है, आपस में उनको जोड़ते हैं। नाउ यूजेस ऑफ कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शंस के यूजेस हमें कहाँ करना है वो हम पढ़ते हैं। एंड इज यूज टू ज्वाइन और एड वर्ड्स टुगेदर इन द सेंटेंस। एंड का यूज कहाँ किया जाता है? जब हमें एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दे एट एंड ड्रैंक, उन्होंने खाया और पिया। एट एंड ड्रैंक, दो वर्ड है ना, दो वर्ड को ये एंड ज्वाइन कर दिया। सेकेंड वन इज और। और का यूज़ कहाँ किया जाता है? इज़ यूज टू शो चॉइस और पॉसिबिलिटी, जहाँ पे चॉइसेस होते हैं। ठीक है, आपस में दो चॉइसेस हों या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल बी हेयर ऑन मंडे और ट्यूजडे, वो यहाँ पर मंडे या ट्यूजडे को, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, मंडे को भी हो सकती है, मतलब मंडे को भी वहाँ पे आ सकती है और ट्यूजडे को भी आ सकती है। जैसे हमने कहा, विल यू प्रिफर टी और कॉफ़ी, तो आपको क्या अच्छा लगेगा, चाय या कॉफ़ी? ठीक है, बोलते हैं ना, मम्मी क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? आपको क्या पीना है, चाय या कॉफ़ी? तो यहाँ पे जब हम ऑप्शंस दे रहे हैं, चॉइसेस दे रहे हैं ना, तभी हम और का यूज़ करते हैं। बट इज़ यूज टू शो अपोजिट और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़। बट का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पे अपोजिट, जैसे अपोजिट का मतलब जैसे शॉर्ट टॉल, लॉन्ग शॉर्ट, ये स्मॉल बिग, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं कन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स, मतलब विरोध, जिनमें दो वर्ड्स में विरोधाभास हो, ठीक है, वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं। शी इज स्मॉल बट स्ट्रांग, वो छोटी है पर स्ट्रांग है, मजबूत है। सो इज़ यूज टू शो रिजल्ट। सो का यूज़ कहाँ किया जाता है? रिजल्ट को बताने के लिए। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं सो गया। बिकॉज इज़ यूज टू शो रीज़न, और बिकॉज का यूज़ किस लिए किया जाता है? रीज़न बताने के लिए, ठीक है, रीज़न शो करने के लिए। आई डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं स्विमिंग के लिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज। राइट एंड और बट इन द ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक में हमें किससे फिल करना है? एंड और बट से। दे आस्क्ड फॉर कॉफ़ी, वो कॉफ़ी के लिए पूछे, बट दे डिड नॉट गेट एनी, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इट वॉज क्लाउडी एंड कोल्ड, मौसम जो है वो बहुत क्लाउडी था और ठंड भी थी। बट इट डिड नॉट स्नो, पर स्नोफॉल नहीं हुई। ली कैन स्पीक स्पैनिश, ली स्पैनिश में बोल सकता है, बट हर सिस्टर कैन स्पीक फ्रेंच, पर उसकी सिस्टर जो है वो फ्रेंच बोलती है। एन लाइक्स टू डांस, एन को डांस पसंद है। एंड बिल लाइक्स टू डांस टू,
और बिल को भी डांस करना बहुत पसंद है. द टीवी इज़ ऑन, टीवी ऑन है, बट वी आर नॉट वॉचिंग, पर हम लोग नहीं देख रहे हैं. शी बॉट अ न्यू ड्रेस, वो नया ड्रेस लाया, एंड ही बॉट अ न्यू सूट, और वो एक नया सूट ले आया. टॉम लाइक्स म्यूजिक, टॉम को म्यूजिक पसंद है, बट ही कैन नॉट डांस, पर वो डांस नहीं कर सकता है. जुडास रोट अ चेक, जुडास ने चेक पे लिखा, बट ही डिड नॉट साइन इट, पर उसने उस पर साइन नहीं किया. नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट बिकॉज और सो. हमको यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करना है एंड और बट बिकॉज और सो वर्ड से. द बस स्टॉप, बस रुकी, एंड द मैन गॉट ऑफ, और वो आदमी नीचे उतरा. वी स्टेड एट होम, हम लोग घर पे थे, एंड वॉच्ड अ फिल्म, और मूवी देखा. आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था, बट डिड नॉट हैव इनफ मनी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे. रेयान फॉरगॉट हिज बैग एट स्कूल, रेयान स्कूल में अपना बैग भूल गया, सो ही कुड नॉट डू हिज होमवर्क, इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं कर सका. ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत रिच है, बट ही डज नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, पर वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करता, खर्च नहीं करता. डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, तुम्हें क्या चाहिए, चाय या कॉफ़ी. यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, आपको क्या चाहिए, चाय या कॉफ़ी. इज द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, क्या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है, यहाँ पे क्लियर नहीं है. आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, रीज़न है यहाँ पे मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे फीवर है. आई एन्जॉय विजिटिंग मैनी डिफरेंट कंट्रीज़, मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में जाना बहुत अच्छा लगता है, बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू लिव एनी वेयर एल्स बट लिव्स वन, मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में जाना पसंद है पर मैं रहना कहीं नहीं पसंद करूँगी, ओनली इन लिस्बन, आई वुड लाइक टू लिव इन लिस्बन. वी कैन गो बाई बस बिकॉज इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, हम लोग बस से चलेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. आई कैन नॉट रिमेंबर हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, बट आई नो हिज फेस फ्रॉम समवेयर, बट उसके चेहरे से मुझे लग रहा है मैं उसे जानती हूँ. आई विल स्टडी माई स्पेलिंग वर्ड्स सो आई कैन गेट अ गुड स्कोर ऑन टेस्ट, मैं स्पेलिंग वर्ड्स पढ़ूंगी ताकि मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलें. ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक यू.